हेलो फ्रेंड्स, डिलीशियस किचन फॉरएवर में मैं आज आपके लिए सेजवान चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए कितनी चटाकेदार बनी है हॉट एंड स्पाइसी सेजवान चटनी। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सेजवान चटनी बनाने के लिए यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल नॉर्मल वाले सूखे लाल मिर्च लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, जो हम रेगुलर घर में इस्तेमाल करते हैं वो वाली मिर्चें मैंने ली है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपको मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे सूखी कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं अगर आप तीखा कम खाते हैं। तो ये मैंने लिया है 100 ग्राम। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आधी मिर्चों का बीज आप निकाल दीजिए, तो ये होगा इससे कि ये स्पाइसी कम बनेगी। पर मैं यहाँ स्पाइसी बना रही हूँ, मुझे ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद है तो मैं बीज नहीं निकाल रही हूँ। तो ये 100 ग्राम मिर्च मैंने ले ली है, तो चलिए इसे सबसे पहले बॉईल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें सारी मिर्चें इसकी डंठल तोड़कर डाल दी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी। तो इसे कवर करके हम 8 से 10 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो अब हम इसे कवर कर देते हैं और 10 मिनट के लिए बॉईल होने देते हैं। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं और मिर्चें बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है, ये देखिए। तो यहाँ पे गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है एक चॉपर और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1/4 कप लहसुन की कलियां ली है, ये 35 से 40 कलियां है, तो इसे हम इस चॉपर में डाल देंगे। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी इसमें हम डाल देंगे। तो लहसुन को अच्छी तरह से छील लीजिएगा और अदरक को भी छिलके उतार कर ही हम इसमें चॉप करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से चॉप हो गई है, ये देखिए। इसे बहुत अच्छे तरीके से चॉप करना है, बहुत ज्यादा मोटा मोटा ये नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी मिर्ची ठंडी हो गई है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें सारी मिर्चियां ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सी के जार में सारी मिर्चियां मैंने डाल दी हैं। तो इसे हम दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए मिर्ची पीस चुकी है और इस तरह का दरदरा टेक्सचर हमें रखना है, हमें बिल्कुल पेस्ट नहीं तैयार करना है, ये देखिए फ्रेंड्स। अब मैंने फिर से कढ़ाई रख दी है गैस पे, उसमें हम ऐड करेंगे लगभग 1/2 कप ऑयल। तो हमें सेजवान चटनी को स्टोर करना है, इसीलिए ऑयल इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे ऑयल गर्म होने देते हैं, गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे चॉप किए हुए अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन ऐड करने के तुरंत बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे धनिया पत्ती की डंडियां काट कर, या आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे धनिया पत्ती हमें नहीं डालनी है, सिर्फ डंडियां डालनी है। इसे हल्का सा 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि कच्चा वाला टेस्ट चला जाए। इसके बाद हम ऐड कर देंगे लाल मिर्च जो हमने पीस कर रखी है। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आ गया है। तो अब इसे चलाते हुए हम 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे मिक्सी के जार में ही थोड़ा सा पानी मिलाकर इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच व्हाइट विनेगर, 1/2 चम्मच सोया सॉस, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ तीखा बैलेंस करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 छोटी चम्मच चीनी। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे हम यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे। 1 छोटी चम्मच नमक मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिए। और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे
अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कटोरी में एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसे चलाते हुए एक हाथ से कॉर्नफ्लोर डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इससे ये होगा कि बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाएगी चटनी में। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चटनी गाढ़ी हो गई है और बहुत ही अच्छा कलर भी आ गया है। तो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है चटनी हमारी। यहाँ पे गैस ऑफ कर देंगे और ये देखिए कितनी मजेदार बनी है। तो इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में आप ठंडा होने के बाद रख सकते हैं और महीने से डेढ़ महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी कितनी मजेदार लग रही है, चटाकेदार लग रही है। और आपने देखा, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आप मार्केट से इसे कम खरीदिए और घर पे बनाइए बहुत ही कम बजट में। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।